तो फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे। और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में रिक्वेस्ट करी थी, इसीलिए मैं हाजिर हूँ ये वीडियो लेके। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैमिली विजिट वीज़ा। तो डेफिनेटली कुवैत का फैमिली विजिट वीज़ा खुल चुका है, बट कंडीशन ये है कि इस फैमिली विजिट वीज़ा पे आप लोग सिर्फ अपनी वाइफ या अपने बच्चों को बुला सकते हो। और एक और कंडीशन गवर्नमेंट ने रखी है इसमें कि अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा पे अपनी फैमिली को बुलाते हो सो उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते फैमिली वीज़ा पर और वर्क परमिट पर। सो डेफिनेटली अगर आप बुलाते हैं तो उन लोगों को वापस जाना पड़ेगा उस ड्यूरेशन पे रह के, और फिर वापस कुवैत से एग्जिट करना पड़ेगा। सो ये बेसिकली वीज़ा जो इन्होंने ओपन किया है उन लोगों के लिए किया है कि जो लोग काफ़ी टाइम से अपनी फैमिली से मिल नहीं पाए हैं वो ये वीज़ा को अप्लाई करके अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, उन्हें कुवैत बुला सकते हैं और कुछ टाइम स्पेंड करके अपनी फैमिली को वापस भेजना पड़ेगा। सो अप्लाई करने से पहले एक आपको अंडरटेकिंग साइन करनी पड़ेगी जिसमें ये मेंशन किया होगा कि ये फैमिली वीज़ा जो अप्लाई कर रहे हैं विजिट वीज़ा, वो चेंज नहीं होगा वर्क परमिट पे या फिर रेगुलर फैमिली वीज़ा पे। तो इस टाइप की कुछ अंडरटेकिंग आपको साइन करनी पड़ सकती है अगर आप लोग फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। सो प्रोसेस वॉज सेम है, सो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, कर सकते हैं। सो अगर अभी तक मेरा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी एक्टिव है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं और मेरी टीम आपके हर एक क्वेश्चंस का जवाब देती है जो आप लोग कमेंट्स में हमें लोगों को भेजते हैं। सो अगर आप लोग चाहते हैं कुछ और अपने सवालों को हमारे संग शेयर करना तो मोस्ट वेलकम आप कर सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली पूरी ट्राई करते हैं सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। और अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे हम रिसर्च करके उस पर एक नई वीडियो ले आए। और हम लोग चाहते हैं कि आप हमारा जो चैनल है और जो हमारी वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके और हम लोग को मोटिवेशन मिले इस तरीके की नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए। और हम चाहते हैं कि प्लीज़ आप इसी तरीके से हमें अपना प्यार देते रहे। और अब वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आपसे अलविदा लेता हूँ।